भगत के बस में भगवान, भगत के बस में। भैया सुनो, अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। ओ भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है। कौन कौन मानता भगवान भक्त के बस में? सुनो, एक बार एक आदमी ने पूछा, महाराज जी ज्ञान किसे कहते हैं? सबसे बढ़िया ज्ञान बताओ, सबसे बढ़िया ज्ञान क्या है हमारी नजर में? ऐसा आप लोग जो भी समझो, आप लोग विद्वान हो, हम तो छोटी मती के अनपढ़ गवार आदमी, स्कूल के पाछे हो पड़े हम तो ज्ञान आप लोग कुछ भी कहो, सबसे बढ़िया ज्ञान यही है, अपने आप को अज्ञानी मानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हाँ, अपने आप को अज्ञान, अपने आप को अज्ञानी मानो। हमारे अंदर है अज्ञान, गुरु में देखे जो भगवान ज्ञान, फिर संसार में उसे दिखाई पड़ता है भगवान। ये आज का सूत्र है अपने। अच्छा, कई लोग ऐसे होते पढ़े कम होते हैं और बोलते ज्यादा। अरे बोले हाँ वो तो हमें पता है, बोले हाँ उनके दादाजी भी ऐसा करते रहे, बोले वो भी हमें पता है, बोले फिर ऐसा भी। अब भला इन दादाजी तो छोड़ो, बाप हाँ लो ना देखो। हाँ, कुछ अधूरे ज्ञानी ऐसे भी होते। बोलो सीताराम, सीताराम जोर से बोलो सीताराम। तो सबसे बढ़िया ज्ञानी कौन? जो अपने आप को अज्ञानी माने, गुरु को ध्यानी माने, अपने आप को अज्ञानी, अपने गुरु को ध्यानी माने। अच्छा, फिर किसी ने कहा कि ये कौन सा ज्ञान हुआ अपने आप को अज्ञान में डुबोना? बात सही है। ऐसे समझो, अंधेरे अंधेरा होता है, अंधेरा अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। अज्ञान का मतलब अंधेरा, अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अंधकार में अंधकार तो दिखाई पड़ता है, अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई पड़ता, ये तो बात ठीक है, लेकिन अंधेरे में अंधेरा तो दिखाई पड़ता है। और जब अंधेरा दिखाई पड़ता है तो फिर गुरु में उजाला दिखाई पड़ता है, और फिर परमात्मा का प्रकाश सर्वत्र दिखाई पड़ता है। और जब खुद ही मान लो कि हम तो, जैसे वो वाली बात हो गई, हम तो खुद ही ज्ञानी है, तुम हमें बताओगे? कई लोग ऐसे होते हैं, हमें समझाओ, हम तो समझो ही समझाए बैठे। बोलो सीताराम। जैसे एक बार एक चेला ने दीक्षा ली गुरु जी की, गुरु जी कुछ सुनाओ, गुरु जी बोले राम राम किया करो, राम राम। अरे बोले ये राम राम तो सब कोई बोलता, कुछ ऊंचा सुनाओ, ऊंचा। गुरु जी समझ गए चेला नहीं गुरु ये फंस गया है। गुरु जी बोले भाई ऊंचे में क्या, रामायण पढ़ा करो। अरे बोले रामायण ये छोटी मोटी बात, कुछ और ऊंचा सुनाओ, और ऊंचा। गुरु जी बोले फिर गीता सुना रहे। चेला बोला हाँ ये कुछ चलेगी, कुछ चलेगी, गीता सुनाओ, गीता। गुरु जी बोले एक काम करो, गीता हम फिर सुनाएंगे, गीता का महात्मा आज सुना देते हैं। ठीक है महाराज सुनाओ। गुरु जी ने बढ़िया गीता का महत्व सुनाया, गावो दोगधा गोपाल नंदना। भगवान गाए, भगवान कन्हैया कि हम सब गाय हैं, भगवान दोहे रहे हैं। इस प्रकार से श्लोक अर्थ किया विस्तार पूर्वक, और गुरु जी कुछ बोले हो, चेला पहले हाथ जोड़ के बोले आह। गुरु जी कुछ बोले ही ना, और चेला बोले बा 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 बा। गुरु जी को लगा चेला ज्यादा समझदार है, इसको कथा ज्यादा समझ आ रही है। तो गुरु जी ने डेढ़ घंटा के प्रवचन चार घंटा ठोक दिए। गुरु जी बोले अब समझ आया कुछ? बोले हमें और समझ नहीं आ रहा, आपने समझाया कम है, हम ज्यादा समझे। गुरु जी बोले हम ही मूर्ख थे जो नहीं समझ पाए तुम्हें। गुरु जी बोले अच्छा तुम्हें कुछ समझ आया है तो एक बात बताओ, कोई शंका हो संदेह हो, जितनी हमने कथा सुनाई उससे कोई संबंधित प्रश्न हो तो पूछो। चेला बोला हम और प्रश्न पूछे, हमें तो सब उत्तर पता। गुरुजी बोले कम से कम हमारी लाज तो रख दो, कुछ तो पूछ लो।
चेला बोला गुरुजी और तो सब समझ में आया, बस आप बार बार कह रहे थे गाबो दोगदा गाबो दोगदा गाबो दोगदा, वो दो गधा नहीं समझ में आया। गुरुजी को माता खराब हो गो, अपनो सिर पीटन लगे। अरे बोले नहीं नहीं सिर मत पीटो, बता 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 वो दो गधा कौन है। गुरुजी बोले एक हम एक तुम। कुछ ऐसे भी ज्ञानी होते हैं, ऐसे ज्ञानियों का क्या ठिकाना, ये झूठ मूठ के ज्ञानी, बनावटी ज्ञानी। सबसे बढ़िया ज्ञानी कौन है, अपने आप को जो अज्ञान माने। अच्छा और श्रेष्ठ ज्ञानी वह है जो अपने आप को अज्ञान माने लेकिन अपने गुरु में ज्ञान देखे और सर्वत्र भगवान देखे, यही सबसे बढ़िया ज्ञानी है। इससे बड़ा ज्ञानी हो भी नहीं सकता, इससे बड़ा ज्ञान भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार भक्त है, सबसे बढ़िया भक्त कौन है, अपने आप को जो बहुत निकृष्ट समझे, दूसरे को भगवान का भक्त देखे। जब दूसरे को भक्त देखेगा तो भागवत का एक प्रसंग बहुत काम का है। आहा भागवत में एक प्रसंग है, आप लोग पढ़ते होंगे सुनते होंगे, आप सब तो विद्वान हो। गज ग्राह का, हाथी का पैर मगरमच्छ पकड़ लेता है। अच्छा एक बात और है, हमने ये बात बहुत बार बताई फिर बता देते हैं, कौन सा अजीरन हो जाना है। मगर ने सबका पैर पकड़ रखा है, मगर ने, मगरमच्छ ने हाथी का भी पैर पकड़ा, एक मगरिया ने हनुमान जी का भी पैर पकड़ा था, एक मगर ने शंकराचार्य जी का भी पैर पकड़ा था, और हमारा और तुम्हारा भी पैर मगर पकड़े हैं। कैसे, जैसे किसी ने पूछा क्यों भाई बागेश्वर धाम वाले गुरु जी आए थे तुम गए नहीं, अरे बोले जाना तो था मगर है? है? उन्होंने कहा अरे अरे यार भाई दरबार लगा था तुम दरबार में नहीं गए, अरे बोले दरबार पहुंच गए थे गाड़ी लेके लेकिन मगर ले ओ, ये मगर तुम्हारा भी पैर पकड़े। लेकिन एक बात सुनो, मगर ने तो सबका पैर पकड़ रखा लेकिन जो मगर पर हनुमान जी जैसी लात का प्रहार कर देता है वही भगवान की कथा को पा जाता है। मेरे पागलो एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, गांठ बांध कर रख लेना, भगवान राम सा चरित्र और भगवान कृष्ण सा चरित्र ना तो किसी का हुआ है ना हो सकता, इसमें तो प्रत्येक पल पल में एक नई शिक्षा प्राप्त होती है। आज हम सुबह पढ़ रहे थे, पढ़े तो डेढ़ ही मिनट है लेकिन डेढ़ ही मिनट में जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ गए। पढ़ना ये चाहिए था जो हम तुम्हें बताना चाह रहे। आहा, रामर से किसी ने पूछा, कल हमको एक काल मीमांसा पुस्तक मिली रात को, हम उसको हैं हाँ धर्म सम्राट जी की, रामर से रामर कुंभकर्ण के पास गया, कुंभकर्ण उठो जागो, क्या बात, दुश्मन आ गया है लड़ना है, राम जी आए हैं लड़ने। तो कुंभकर्ण कहता है कि तुमने नारी का हरण क्यों किया, रावण कहता है स्वीकार कराने के। तो कुंभकर्ण कहता है कि जानकी जी तुम्हें स्वीकार नहीं कर रही, बोले बिल्कुल नहीं कर रही, स्वीकार तो दूर की बात देख भी नहीं रही, और एक बार गए थे तो तृण धरी ओट कहत वैदेही सुमर अबध पत परम स्नेही, बोले एक बार देख भी ले तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो कुंभकर्ण कहता है कि तुम मूर्ख हो, तुम तो मायावी हो, तुम्हारे पास शक्तियां हैं सिद्धियां हैं, एक काम करो तुम राम का रूप बना करके जानकी जी के पास जाओ, तुम्हारी तरफ जानकी जी अवश्य देखेंगी। रावण का जवाब सुनना तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रावण जवाब दे करके कहता भैया कुंभकर्ण मैंने राम का भी रूप एक बार रखा और मैं जब राम का रूप बना करके निकला तो मुझे फिर अपने लंका में रहने वाली प्रत्येक नारी में मां और अपनी बहन दिखाई पड़ने लगी, फिर मुझे सब में मातृत्व की भावना दिखने लगी, मुझे फिर सब में मातृभाव जाग गया। अब किस रूप को बना कर जाए मेरे पागलो, रामचरित्र मानस और श्री कृष्ण की कथा एक एक पल पर शिक्षा देती है। श्रेष्ठ भक्त वही है, अच्छा भक्त वही है, उत्कृष्ट भक्त वही है
जिसने किसी सच्चे भक्त के चरणों को पकड़ रखा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो भागवत में एक प्रसंग आता है गजुर ग्राह का। हाथी का पैर मगरमच्छ पकड़ता, मगरमच्छ पकड़ता तो हाथी लड़ता, डूबने लगता तो भगवान को पुकारता, भगवान प्रकट होते, चक्षु दर्शन से उस मगरमच्छ के सर को काट देते। किसी ने भगवान से पूछा, आप तो बड़े कृपालु हो जी, आपको बुलाया किसने? भगवान बोले हाथी ने। आपकी स्तुति किसने की? भगवान बोले हाथी ने। आप किसको बचाने गए थे? भगवान बोले हाथी को। फिर पूछने वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि आपने सबसे पहले उद्धार मगरमच्छ का क्यों किया? जब आप हाथी को बचाने गए, हाथी ने स्तुति की, हाथी के कारण गए, पर उद्धार मगरमच्छ का क्यों? भगवान ने बहुत प्यारा जवाब दिया। बोले सुना, जो हमारा भक्त है उसका तो कल्याण होना ही है, लेकिन जो हमारे भक्त के चरण को पकड़ लेता है उसका पहले कल्याण हो जाता है। क्योंकि भगवान तो भगत के बस में है, भगत के बस में है। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, हो भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में।